गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है कि कैसे आप लंबे समय तक 60 वर्ष तक की उम्र तक भी युवा बने रह सकते हैं, संभोग में सक्षम बने रह सकते हैं, अपना दाम्पत्य जीवन निभा सकते हैं। दोस्तों, आजकल के समय में ये होता है कि जब एक व्यक्ति 45 यानी 45 वर्ष की आयु पार कर चुका होता है तो वो अपने आप को चुका हुआ मान लेता है। वो सोच लेता है कि अब मेरा वृद्धावस्था की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ और युवावस्था ख़त्म हो गई है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही ये परंपरा रही है कि मनुष्य स्वस्थ बना रहता था और 50-55 वर्ष की अवस्था तक भी वो अपने आप को युवा महसूस करता था। तो आखिर वो क्या पॉइंट्स हैं जिन पर चलकर हम लंबे समय तक युवा बने रह सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि संभोग क्रिया कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि आप 60 वर्ष की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते भी कैसे संभोग में सक्षम बने रह सकते हैं। दोस्तों, अगर आप परेशान हैं कि आपके लिंग की लंबाई कम है, आप लिंग की लंबाई बढ़ाना चाहते हैं, लिंग की मोटाई को बढ़ाना चाहते हैं, लिंग के टेढ़ेपन को दूर करना चाहते हैं, या फिर लिंग के तनाव को बढ़ाना चाहते हैं, तो सॉल्यूशन है आपके सामने। जी हाँ दोस्तों, ये है लिंग वर्धक यंत्र यानी कि पेनिस एनलार्जमेंट पंप, और साथ में है ऑयल जिससे आपको लिंग की मालिश करनी है। हमारे पास तीन तरह के पंप आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक जो कि ऑटोमेटिक है, चार्जेबल है, और दो पंप यहाँ पर मैनुअल हैं। चार्जेबल पंप के अंदर खासियत यह है कि इसके अंदर प्लस का बटन है जिससे प्रेशर बनाना है, और माइनस के बटन से प्रेशर को कम करना है, रोकना है, और बीच में बटन दिया गया इससे प्रेशर को निकाला जाता है। जबकि ये जो मैनुअल पंप है, इसको प्रेशर बनाने का तरीका ये है कि यहाँ से इसमें प्रेशर बनाया जाता है और यहाँ से प्रेशर निकाला जाता है। और साथ में है दोस्तों ये गो केबल इरेक्शन ऑयल, जिसको बनाया गया है स्पेशल लिंग की मालिश के लिए। इसमें 50 से ज़्यादा जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, ये आपके लिंग की मंदसों को खोलेगा, ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, लिंग की मांसपेशियों को ताकत देगा। तो दोस्तों, ये है वो सॉल्यूशन जिससे आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो दोस्तों, देर ना करें, आज ही कॉल करें दिए गए नंबर पर, इनमें से कोई भी एक पंप लीजिए और अपनी परेशानी को दूर करिए। जो एड्रेस आप देंगे उस एड्रेस पर आपको ये भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले, और आप जानते भी होंगे कि जब व्यक्ति 40 पार कर जाता है तो उसको मेनली संभोग क्रिया से संबंधित तीन प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। पहली प्रॉब्लम ये होती है कि उसके लिंग में अब पूरी तरह से तनाव नहीं आता है, जिसे हम लिंग का ढीलापन कहते हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि अब उसका वीर्य जल्दी निकलने लगता है, जिससे कि वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है और संभोग क्रिया में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाता है। और तीसरी चीज़ होती है कि उसका संभोग का मन ही नहीं करता है। तो ये तीन प्रॉब्लम्स सामने आती हैं, इनको मैं कहता हूँ ट्रिपल प्रॉब्लम्स। अब इन ट्रिपल प्रॉब्लम्स को आपको ओवरकम करना है और आपको लंबे समय तक इस क्रिया में सक्षम बने रहना है। तो दोस्तों, बहुत आसान है, तीन प्रॉब्लम्स हैं, मैं आपको इसके लिए तीन बातों पर आपको अमल करना है। सबसे पहले यह है कि अगर आप आज मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो देखने के बाद से ही आप अपने आहार में वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल करनी है, शामिल करनी है, जिनका रंग आपको लाल दिखाई देता है, जैसे कि चुकंदर, जैसे कि गाजर, जैसे कि शलगम, जैसे कि अनार। होता क्या है दोस्तों, कि जिनका जो लाल रंग होता है, जिन खाद्य पदार्थों का, फूड प्रोडक्ट्स का, उनके अंदर भारी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट आपको लंबे समय तक जवान बनाए रखने में मदद करते हैं, और इस तरह से आपके अंदर जो उम्र की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं उनको ओवरकम करते हैं और आप लंबे समय तक जवान बने रहते हैं। तो दोस्तों, अनार, चुकंदर, शलगम, इस तरह की चीज़ें और काले अंगूर आप अपने खाने में रोज़मर्रा का हिस्सा बनाइए। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि आप अपने रोज़मर्रा के जो आपकी जीवन शैली है उसमें आपको एक्सरसाइज भी शामिल करनी है। एक्सरसाइज की क्या परिभाषा है? नहीं दोस्तों, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जिम जाइए, खूब पसीने बहाइए, ये कीजिए, मसल्स बनाइए, वो आपकी मर्ज़ी है। परंतु मिनिमम क्राइटेरिया क्या है? मिनिमम क्राइटेरिया ये है कि आप रोज़ इतनी एक्सरसाइज करें कि आपके अंदर से पसीना निकले, आपका शरीर पसीने से भीग जाए। इतनी एक्सरसाइज होनी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं, अरे मैं तो रोज़ इतना चलता हूँ, मैं तो इतना पैदल चलता हूँ, या फिर मेरा तो सारा दिन काम ही अर्दली का है, भाग दौड़ करने का है, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस के बीच में चक्कर लगाता हूँ। नहीं दोस्तों, कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा है अगर आप एक लगी बंधी एक्सरसाइज करेंगे जिसमें आपके अंदर से पसीना निकलेगा। जी हाँ दोस्तों। और तीसरी चीज़ क्या है? वो है
कि आप जो अपना शादी के बाद से जो सेक्स करते हैं उसमें आप गैप दीजिए, यानी ऐसा ना हो कि आप रोज़ कर रहे हैं या फिर एक रात में कई बार कर रहे हैं। ये आपको तेज़ी से बुढ़ापे की तरफ ले जाने वाली प्रक्रियाओं में से सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार प्रक्रिया है। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि आप शादी के बाद ऐसा ना करें कि इसको इस काम को बहुत फ्रिक्वेंटली करें, बल्कि इसमें गैप दें, जैसे कि 2 दिन में एक बार, शुरुआत दिनों में 3 दिन में एक बार, फिर इस गैप को बढ़ाते जाएं। तो दोस्तों इस तरह से लंबे समय तक जब आप इस चीज़ का पालन करेंगे तो आपको लंबे समय तक युवा रहने का मौका मिलेगा। तो समराइज कर देता हूं सारांश रूप में कि अगर आपको 3 दानवों को जीतना है, वो 3 दानव कौन से हैं? लिंग का ढीलापन, नंबर 2 आपका वीर्य का जल्दी निकल जाना यानी शीघ्र पतन, और 3 संभोग की इच्छा की कमी। तो आपको 3 ही चीज़ों को अपनाना होगा, अच्छा खान पान खासतौर से जिसमें लाल रंग वाले पदार्थ शामिल हैं, नंबर 2 हल्की फुल्की एक्सरसाइज जिसमें पसीना निकलता है, और नंबर 3 आपको संभोग क्रिया की जो आवृत्ति है वो बहुत ज़्यादा कम करनी है, यानी कि ज़्यादा ज़्यादा दिनों के अंतराल पे कम बार करना है। ठीक है, तो गाइज आज की वीडियो में तो इतना ही। अगर आपके मन में अपनी जीवन शैली से संबंधित कोई समस्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।